14 तारीख से मनीष जी जनता से मिलने के लिए पद यात्रा में निकलेंगे पूरी दिल्ली में। देखिए मोटा मोटे इस देश की जनता को ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही एजेंडा है कि इनका काम रोको, इस पार्टी को तोड़ो। दिल्ली के सभी सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग हुई है। इस बैठक में दिल्ली में होने वाले चुनाव और सारी राजनीतिक परिस्थितियों पर डिस्कशन हुआ, तो ये निर्णय लिया गया है कि कल सभी एमएलएस के साथ मीटिंग होगी और उनमें डिस्कशन किया जाएगा डिटेल में, और उसके बाद अगले दिन परसों सभी काउंसलर्स के साथ मनीष जी की मीटिंग होगी, और इसके बाद फिर लगभग 14 तारीख से मनीष जी जनता से मिलने के लिए पद यात्रा में निकलेंगे पूरी दिल्ली में, और जनता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए मोटा मोटे इस देश की जनता को ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही एजेंडा है कि इनका काम रोको, इस पार्टी को तोड़ो। लेकिन आप देखो, इनकी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज पार्टी मजबूत है, पार्टी अच्छा काम कर रही है, पार्टी हर स्टेट्स पे ग्रो कर रही है, हम और भी ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं। तो मेरा मानना यह है कि जनता से मिलेंगे और जनता का आशीर्वाद बरकरार है और दिल्ली के लिए आगे खूब काम करेंगे। ऑफिशियल तौर पे क्या मनीष जी को कोई पद दिया जाएगा, चाहे पार्टी में चाहे सरकार में, उसके बारे में क्या पार्टी करेगी? उसका डिस्कशन आने वाले टाइम पे होगा, आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे उस पर। हरियाणा में पूरी तैयारी चल रही है, आप देखे होंगे लगभग 40-50 सभाएं हमारी हुई, केजरीवाल मैडम भी गए थे और संजय सिंह जी भी जा रहे हैं, सारे लीडर्स उस पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा का चुनाव भी एक हाई ऑक्टेन चुनाव होने वाला है। आज की बैठक से दिल्ली पे थी या हरियाणा पे भी? आज की बैठक दिल्ली पे फोकस की है, हरियाणा पे चुनाव कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है और पूरी ताकत से चुनाव। विधायक और पार्षदों के साथ बैठक कहाँ पर होगी, किस समय होगी, वो डिटेल आपको बता दें। थैंक यू।